देखो आजकल जो टाइम चल रहा है उसके अंदर तो यही लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना एक तरीके की बेवकूफी हो जाएगी। क्या ये बात सही है? आओ देखते हैं। वैसे अगर तुम्हें जानना है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हो ही क्यों रही है सारे के सारे रीजंस डिटेल में, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन इसके बाद ही देखना। देखो ये फाइनेंशियल क्राइसिस पहली बार नहीं है, इससे भी बड़े बड़े कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस इतिहास में आ चुके हैं। जैसे कि 24 अक्टूबर 1929 में जो कितना बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जिसे वॉल स्ट्रीट क्रैश भी कहते हैं। 1987 में कितना बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, 2001 में कितना बड़ा .com क्रैश आया था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, और जो आजकल चल रहा है पैंडेमिक कोरोना का टाइम। अगर मैं बताने बैठ जाऊं ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस की लिस्ट तो पूरे दिन बीत जाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस आते रहते हैं, फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा सोच के क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स तो बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्राइसिस कब खत्म होने वाला है। सब सोच रहे थे 2020 में कोरोना खत्म हो जाएगा, 2020 गया। सब सोचने लगे 2021 में कोरोना खत्म हो जाएगा, 2021 भी चला गया। और सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तुम ये भी नहीं पता लगा सकते कि जो प्राइस बार बार लगातार नीचे ही जाया जा रहा है वो ऊपर आना शुरू कब होगा। कभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन के चक्कर में मत लगना। इसे बिल्कुल भी गैम्बलिंग की तरह मत ले लेना कि आज पैसे डाले तो एक दो दिन या फिर एक दो महीने बाद पैसे निकाल लूंगा डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम डरने लग जाओ क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने से ही। देखो इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक एक्सट्रीमली रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। देखो क्रिप्टो ने कई लोगों को बहुत बड़े बड़े फायदे दिए हैं, लेकिन कई लोगों को बुरी तरह बर्बाद भी कर दिया है। बर्बाद वो लोग होते हैं यहाँ पे जिनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करी, बस वो देख रहे हैं फोन में कि प्राइस ऊपर जा रहा है लगा दो पैसे, और पैसे लगाते ही प्राइस आने लग गया नीचे, क्या हुआ सारे के सारे पैसे डूब गए। और उन्होंने इस बात का भी पेशेंस नहीं रखा कि थोड़ी देर रुकी जा रहे हैं क्या पता कुछ और हो जाए, नहीं पेशेंस तो है ही नहीं, तुरंत निकाल लिया। देखो रियलिटी ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं जैसे इलॉन मस्क वगैरह, वो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर मानते हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही क्रिप्टो करेंसी पूरी काम करती है। तो क्रिप्टो फ्यूचर है मे बी, तो फिर क्या करें, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करें या ना करें? देखो अगर तुम्हें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, तुम्हें पूरा भरोसा है अपने ऊपर, तो तुम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। लेकिन रिसर्च करो सबसे पहले, पूरी अपनी पूरी रिसर्च करो। और एक बात ध्यान में रखो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पता लगाओ कि वो क्रिप्टो करेंसी किस कंपनी ने बनाई है, वो किस तरह काम करती है, क्या क्या प्रोसीजर है, सारी चीजें पता करो उसका, वो गुड भी है, एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है भी या नहीं है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोचो। और अगर इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो ना, तो एक दो महीने का विजन मत रखो दिमाग में, कम से कम एक डेढ़ साल का विजन रखो कि मैं एक डेढ़ साल बाद ही ये पैसे बाहर निकालूंगा। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 18 प्लस होना जरूरी है, तुम्हारा पैन कार्ड होना जरूरी है, तुम्हारा आधार कार्ड होना जरूरी है। और तुम्हारे पास ये सब है और तुम 18 प्लस हो, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से CoinDCX ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ₹10 से अपनी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करते हो CoinDCX को, तो तुम्हें ₹100 का इथेरियम फ्री मिलेगा बिल्कुल, लेकिन KYC कराने के बाद। और अगर तुम यही ऐप अपने किसी फ्रेंड को भी रिकमेंड करते हो तो तुम्हें ₹100 का इथेरियम पर रेफरल और मिलता चला जाएगा। तो अब तुम ये दोनों वीडियो देख सकते हो, ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन है और ये वाली क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश कर क्यों रही है उसके ऊपर है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, और अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो। और अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।